नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशबू सिंह और आप देख रहे हैं युग चरण। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। अमेरिका की प्रतिष्ठित हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। यहाँ कई वर्षों से मुर्दों की खरीद फरोख्त हो रही है। इस काम में यहीं का एक स्टाफ कपल शामिल है। पति पत्नी हावड़ा के मेडिकल स्कूल के मुर्दा घर से डेड बॉडीज के अंग चुराकर बेच रहे थे, लेकिन उनका अब भांडाफोड़ हो गया है। दोनों पर मुकदमा चलाया जा रहा है। इसके लिए उन्हें 15 साल तक की सजा भी हो सकती है। एप्पल ने मई महीने में भारत से आईफोन के एक्सपोर्ट का नया रिकॉर्ड बना दिया है। इंडिया सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक मई महीने में भारत से टोटल 12,000 करोड़ रुपए के स्मार्टफोन एक्सपोर्ट हुए हैं, जिसमें 80% आईफोन शामिल है। ICEA के डेटा के अनुसार मई महीने में भारत में 10,000 करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट हुए हैं। फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में भारत ने $5 बिलियन यानी 40,951 करोड़ रुपए की वैल्यू के आईफोन एक्सपोर्ट किए थे। इसके साथ ही आईफोन भारत में ये मुकाम हासिल करने वाला पहला ब्रांड बन गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाते आए हैं। इन आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि गहलोत अपने विधायकों को बार बार हॉर्स बताते हैं। अगर मैं उनका विधायक होता तो मैं अन्य विधायकों के साथ उनके घर धरना दे देता। पीयूष गोयल ने कहा कि आप पहले विधायकों को बिका हुआ बताते हो, उसके बाद उन्हीं विधायकों को मंत्री बनाकर राजस्थान की जनता के साथ विश्वासघात करते हो। आप खुद ही आरोप लगाते हो कि विधायक भ्रष्ट है, इन्होंने पैसा खा लिया। पीयूष गोयल ने कहा कि सीएम गहलोत सेल्फ गोल कर रहे हैं। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाली इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने डेजर्ट बिल्डिंग वर्कर्स के पदों पर भर्ती निकाली है। नोटिफिकेशन जारी करके SOP ट्रेड प्रोसेसिंग ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज ट्रेनिंग मिलिट्री एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग और हैंडलिंग में एक्सपीरियंस वाले युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। नोटिफिकेशन के अनुसार ये भर्ती कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होगी। शुरुआत में ये भर्ती 1 साल के लिए होगी, इसके बाद में 4 साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। आवेदन फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख 30 जून 2023 है। सोशल मीडिया के जरिए हो रहे अपराध रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। इसी क्रम में जयपुर में एक युवती से रेप का मामला सामने आया है। युवक उसका इंस्टाग्राम फ्रेंड था, वो उत्तर प्रदेश से मिलने के बहाने आया और युवती के साथ दुष्कर्म किया। शादी का झांसा देकर 2 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहकर देह शोषण करता रहा। बदनाम करने के लिए युवती की ID से सोशल मीडिया पर गंदे मैसेज भी डाल दिए। मुहाना थाने में पीड़िता ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। मामले की जाँच SI विजय सिंह कर रहे हैं। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे खबरों के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।